हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को यहाँ पे फैन कैसे लगाया जाएगा सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में दिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से एक फैन लगा है, ये काफ़ी आवाज़ कर रहा है। तो यह एक मोबाइल की दुकान है, यहाँ पे लगा है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फैन को रिपेयर ना करके यहाँ पे नया लगाएंगे। अब कैसे लगाया जाएगा सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैन एक नया मंगा दिया गया है। इस कंपनी का फैन है। इस फैन अब देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे तो इसके ऊपर का जो कवर होता है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यह फैन है, काफ़ी वजन है, अच्छे कंपनी का है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटी, ये फैन जिस पे लटकाया जाता है ये। उसके बाद इसके साथ साथ एक पाइप, तो उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे इसमें ब्लेड लगाएंगे। तो इसको खोलने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके ऊपर रखा गया था तो हम पहले यहाँ पे रख लेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद ही ताकि इसके अंदर स्क्रैच ना आए यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी ब्लेड को लगाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसको जहाँ पे लगाना वहाँ पे जाके लगा देंगे। हाँ, तो इसको पहले प्लास्टिक को खोला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रबड़ के द्वारा इसको अच्छे तरीके से लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। निकालने के बाद आप देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ है। तो जो बीच वाला जो तार हमारा रनिंग का ऊपर और नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर और नीचे में सप्लाई दी जाएगी। बीच वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो दो ही पॉइंट बने हैं। दोनों पॉइंटों में हमें सप्लाई देना है और बाकी कुछ भी नहीं करना। सब कुछ पहले से कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस फैन में 2.25 का कैपेसिटर लगा है। 2.25 का सेलिंग फैन में 2.25 का कैपेसिटर लगा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी ब्लेड को यहाँ पे जो ब्लेड लगा जाएगा उस ब्लेड को बारी बारी लगाएंगे। पहले इसको खोल लेंगे। तो बिल्कुल आसान है, जब भी हम कनेक्शन करेंगे यहाँ पे बस 2 ही तार को जोड़ना है। तो इस डिब्बे के अंदर इसके अंदर ब्लेड रखा गया है। अब ब्लेड भी देखते हैं डिज़ाइन में है कि विदाउट डिज़ाइन है, जो भी रहेगा अभी आपको दिखाया जाएगा। ये भी बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया है प्लास्टिक में, ताकि इसके अंदर स्क्रैच ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल चमक रहा है, नया इसलिए चमक रहा है, नया है तो चमकेगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेड काफ़ी साधारण है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया ब्लेड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी सबको लगाएंगे। तो इसको लगाने का भी आसानी तरीका है, बस क्या करना, जो भी इसके अंदर का स्क्रू अभी निकाला गया उसको क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे, टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वार्सल लगा है। वार्सल से क्या रहेगा, इसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखा गया, इसलिए इसको हटाना नहीं है। तो इसको भी बहुत से लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसको आपको लगा देना, ज़रूर लगाना है, ताकि जब भी स्क्रू को टाइट करें अच्छे तरीके से उसको पकड़ ब्लेड को पकड़ के रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे तीनों को बारी बारी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे
तो इस तरह तीनों ब्लेडों को टाइट कर दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो ब्लेड को टाइट कर दिया गया, अभी एक ब्लेड और है। तो यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उसके बाद यहाँ पे अच्छा तरीके से उसको टाइट कर देंगे ताकि ब्लेड कभी गिरे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दिया जा रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उस जो फैन चल रहा है, जो उस पुराने वाले फैन को हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे फिर इसको नए वाले को लगाएंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से इस कवर को ऊपर की तरफ हटाएंगे और हम क्या करेंगे, इस राड को जो इसमें राड लगा उसको रहने देंगे। और हम क्या करेंगे उसके बाद, हम क्या करेंगे यहाँ से वायर को जो इसमें न्यूट्रल फेस की सप्लाई को दिया गया उसको हम क्या करेंगे निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ तुरंत क्या करेंगे, हम नया फैन को लगा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको निकालेंगे, पहले इसके मेन सप्लाई जो मेन वायर है मेन वायर को निकाल देंगे। मेन वायर को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके यहाँ पे जो नट स्क्रू बोल्ट लगा नट लगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले को यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यही दोनों में ये जो सप्लाई आपको 3-5 पॉइंट दिखाई दे रहा है इसी में न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को दिया गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको पहले खोल लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका फैन लगाने का, पहले हम सप्लाई को निकाल लेंगे, न्यूट्रल फेस की सप्लाई को निकाल लेंगे। और हम क्या करेंगे सेफ्टी के लिए पहले हम उसमें क्या करेंगे, एक वायर को निकालेंगे और उसमें तुरंत टेप मार देंगे ताकि अगर उसमें हल्का फुल्का करंट रहे या पूरा भी जो भी करंट रहे तो उस आपको सावधानी रहे आपको करंट ना लगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले जो एक तार जो हमारा फेस का या न्यूट्रल का है उसमें हम क्या करेंगे टेप को मार देंगे क्योंकि लाइट ऑन है इस वक्त, लाइट ऑन है बस। तो किसी भी एक वायर में लाइट आ सकती है, फैन को तो बंद कर दिया गया है इसलिए क्या करेंगे आप दोनों पहले क्या करेंगे इसको टेप मार देंगे फिर दूसरे वाले वायर को क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टेप को अच्छे तरीके से लगा दिया गया है, अभी इसको निकाला जाएगा इसलिए बहुत ही बढ़िया से नहीं लगाएंगे तब भी कोई बस वायर टच ना हो इसलिए यहाँ इतना लगा देंगे। अब दूसरे वाले वायर को निकालेंगे हम, तो दूसरा वाला जो वायर है उसको हम निकालेंगे। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से दूसरे वाले वायर को निकालेंगे जो न्यूट्रल फेस की सप्लाई फैन में दिया गया, दोनों वायर को एक वायर को निकालिएगा, दूसरे वायर को भी हम निकाल के फैन को नीचे की तरफ निकाल लेंगे उसके बाद दूसरे वाले वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें भी दूसरे वाले पे वायर पे भी हम टेप मारेंगे। टेप मारने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से इस नट बोल्ट को निकाल लेंगे खोल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे नए वाले फैन को यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना है। हम क्या करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे नट बोल्ट को यहाँ से खोल लेंगे, अभी फैन क्या होगा नीचे की तरफ आसानी से निकल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है, बहुत जाम है तो उसको थोड़ा सा मेहनत से आपको खोलना पड़ेगा या 10 नंबर स्क्रू से खोलिए चाहे तो आप प्लास के द्वारा खोलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से धीरे धीरे खुल रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरे वाले फैन को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ से बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको आप निकाल देंगे फैन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फैन हमारा है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से इसको हटा के दूसरे वाले नए वाले फैन को लगाएंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वही जैसे फैन को निकाला गया उसी हिसाब से हम क्या करेंगे इस फैन को लगाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बस ये अब हमने क्या किया ये जो नट बोल्ट है इसको हमने लगा दिया। लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, देख रहे हैं फैन लटक चुका है लग चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी लाइट की सप्लाई को नहीं दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे।
उसके बाद न्यूट्रल फेस की सप्लाई दे देंगे, फैन हमारा चलने लगेगा। तो अब क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से पहले टाइट करेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ से नट बोल्ट को हमने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों न्यूट्रल फेस की सप्लाई को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, जो वायर टेप हमने लगाया उस टेप को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। हम क्या करेंगे, न्यूट्रल फेस के जो वायर है, जो जिस वायर को मैं निकाला, तो उस वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको जोड़ देंगे ताकि यह निकले ना। उसके बाद दूसरे वाले वायर टेप को हम निकालेंगे। दूसरे वाले वायर टेप को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको भी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे वाले वायर को भी लगा देंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों तारों को जोड़ दिया, जो न्यूट्रल फेस की सप्लाई बोर्ड से आई थी उन दोनों तारों को आप देख सकते हैं दोनों ऊपर और निचले वाले पॉइंट में जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फैन को पहले चलाएंगे, चलाकर देखेंगे फैन हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कनेक्शन हो चुका है, बहुत बढ़िया भी चल रहा है। तो इस तरह वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।